एवरीवन, स्वागत है आपका इस अद्भुत चैनल बहन्स पढ़ाई में। ओके, सो आज हम अपनी क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग करेंगे। इसमें ना दो पार्ट है, एक तो हिज फर्स्ट फ्लाइट और एक ब्लैक एयरप्लेन वाला। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ऐसे ऐसे कहानी तो मैं बताऊंगी ना, तुम मजा आएगा सुन के एकदम। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बीच में जाना बस, नहीं तो मजा खिड़खिड़ा हो जाएगा और तुम्हारा चैप्टर ही बीच में ही रह जाएगा। लाइन वाइज लाइन समझाऊंगी, डिटेल एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है, इजी लैंग्वेज में। और अगर तुम्हें प्यारे प्यारे मेरी सेल्फ ड्राइंग वाले नोट्स चाहिए ना, तो इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कुछ इंस्टाग्राम पे क्वेरी हो तो फॉलो करके डीएम कर देना, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुरू करें चैप्टर बिना किसी देरी के। ओके जी, ओके, शुरू करते हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट नंबर वन, विच इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। अभी जो हिज है वो कौन है भाई, किसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात हो रही है यहाँ पर? आपने देखा है एक वो प्यारा सा एक बत्तख जैसा होता है जिसको हम सीगल बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी बात हो रही होती है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात हो रही होती है। अब भाई देखो, जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनकी जो छोटे 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 प्यारे से चीची 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 वाले बच्चे होते हैं ना, ऐसा है नहीं कि मतलब पैदा होते ही वो सीख जाएंगे उड़ना। उनका ना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है उड़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सीगल था, छोटा सा ही था बेचारा, उड़ने के लिए कोशिश करता था लेकिन वो बेचारा ना डर जाता था। और सीगल की जो फैमिली होती है ना उसमें उड़ना इम्पोर्टेंट है, उड़ेंगे नहीं तो खाना कैसे खाएंगे। ऐसे ऐसे करके उनका उड़ना, मछली को पकड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि का पेट भरा रहे, ठीक है। लेकिन वो बेचारा छोटा मुन्ना नन्ना सा सीगल जो बड़ा डरता है कि मैं कैसे उड़ूंगा, मेरे पंख, उसको ना अपने पंखों पे विश्वास ही नहीं होता था। तो अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो ये जो स्टोरी है वो एक प्यारे से सीगल के बारे में होती है, और वो अपनी लाइफ के इस स्टेज पे होता है कि वो अपना उड़ना सीख रहा होता है, ठीक है। उसके जितने भी छोटे भाई बहन थे उससे जो छोटे थे वो तो बड़े अच्छे से उड़ लिया करते थे, ठीक है, और अच्छे से उड़ लिया करते हैं, लेकिन वो बड़ा डरा करता, ठीक है। वो बहुत ज्यादा डरता था कि मैं कैसे उड़ूंगा यार, मुझे तो उड़ा ही नहीं जा रहा, ठीक है। और व्हेन ऑल ऑफ देम, जब सारे के सारे पहली बार उड़ने के लिए कोशिश करने गए सी के किनारे, तो सारे के सारे सिर्फ उस यंग सीगल को छोड़ के सारे के सारे उसके जितने भी भाई बहन थे वो तो उड़ने में सफल हो गए, ठीक है। बस वही बेचारा उड़ नहीं पाया क्योंकि उसको डर लगता था, उसे अपने जो पंख है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं था कि यार मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मेरे बस की है नहीं, मैं क्या करूंगा, गिर गया तो मेरी तो जान खतरे में आ जाएगी, मैं नहीं उड़ सकता भाई, ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो इस तरीके से वो करने लग जाता है। वो बड़ा डरा रहता है कि ये देखो समुद्र कितना गहरा है, इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, मैं इसमें डूब गया तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे करके वो बेचारा डर जाता है, ठीक है। वो खुद को समझाता भी है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तू कर सकता है उड़ते उड़ते, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता है ना, क्योंकि डर जाता है ना। तो ऐसे ही, तो एज अ रिजल्ट ही वॉज अशेम। तो जैसे उसके उससे भी छोटे छोटे उसके सारे भाई बहन तो उड़ जाते हैं, वो अपने डर पे काबू पा लेते हैं, लेकिन सिर्फ वो रह जाते हैं। तो थोड़ा शर्मिंदा सा हो जाता है कि देख मेरे से छोटे छोटे तो आराम से कर लेते हैं। ऐसे ही सेम मेरे साथ हुआ था। तो क्या होता है, मेरे नाना जी ने एक बड़ी सी साइकिल लाते हैं, ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, तो मेरे उसमें पैर पहुंचते ही नहीं थे और मैं चला नहीं पाती थी ना, उसको बैलेंस बना पड़ती थी, तो मेरे को डर चढ़ गया था कि नहीं मैं नहीं बैठ सकती इस पे। और वहीं मेरे छोटा सा भाई है, मामा का लड़का ही है, तो वो बड़ी आराम से, मेरे से छोटी हाइट का है, वो बड़ी आराम से साइकिल चला लेता है। सो वही कहानी, वही इसी तरह से कहानी है वो, ठीक है। तो मैं भी ऐसे डरती थी, ऐसे ही यंग सीगल भी डरता है उड़ने से, या फिर जैसे मैं साइकिल चलाने से डरती थी वही ये भी ऐसे उड़ने से डरता है, ठीक है। सो क्या होता है, ये फिर अपने उस जगह पे जाते हैं जिसको हम लेज बोलते हैं, वहां पे जाके आराम से सोने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई उड़ना मेरे बस की है नहीं। ओके, सो फिर क्या होता है, उसके जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट को, क्योंकि उनके इसके जो छोटे भाई बहन थे उसके तो पंख भी छोटे छोटे थे, वो तब भी उड़ना सीख लेते हैं, लेकिन ये इसके तो पंख भी बड़े हैं, ये उनसे बड़ा भी है, और तब भी ये उड़ नहीं पाता, ठीक है। और इसके पास इतनी ज्यादा हिम्मत भी नहीं आती कि मैं भाई उड़ नहीं सकता। सो इसको इसके पेरेंट्स ने बहुत डाला डांटा कि क्यों क्यों नहीं उड़ता, क्यों नहीं कोशिश करता, कुछ नहीं है डर वर, तो उड़ने की कोशिश कर, ऐसे कर ऐसे कर। तो उसके पेरेंट्स ने इसको काफी डांटा, ठीक है, लेकिन वो दोबारा से ट्राई नहीं कर रहा था, वो बहुत डरा हुआ था, उसे ऐसा लगता था कि यार मैं नहीं उड़ सकता, मुझसे ऐसे कहो मत बार बार, ठीक है। नाउ वो पूरा एक दिन अकेला रहा, उसने कोशिश भी नहीं की, एक बार कोशिश की थी, वहां से वो डर के भाग आया, ठीक है। और उसके पेरेंट्स जो थे वो दूसरे उसके भाई बहनों पे फोकस कर रहे थे कि अभी हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही अकेला, और हम दूसरे बच्चों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। और वो उसके सिबलिंग्स पे, छोटे भाई बहनों पे ध्यान दे रहे थे कि वो अच्छे से उड़ना सीख जाए और मछली को समुन्द्र में से ऐसे चोंच में से पकड़ के खा ले, अपना पेट भर ले, ठीक है। उससे एक एक भाई उससे बड़ा भी था, उससे एक बड़ा भाई सीख गया था अपनी पहली फिश को ऐसे चोंच में पकड़ के खाने
खाने के लिए, ठीक है। पहले फिर डाइव मारी, चोंच में फिश पकड़ के लाया और खा गया, जो कि उससे बड़ा था वो भी। तो सब उसके ऊपर बहुत प्राउड करने लगे और सब सेलिब्रेट करने लगे। अब उसी मॉर्निंग, उसी सुबह उसके पेरेंट्स ने उसको ताना मार दिया कि देख तेरे बड़े भाई बहन, तेरे छोटे भाई बहन कितना अच्छा कर रहे हैं, तू ही एक ऐसा कायर सा है, तू ही एक ऐसा कोवर्ड्स है, तू ही कुछ ट्राई नहीं करता, ठीक है। अब क्या होता है, सन आ जाता है, वो बहुत ज्यादा गर्मी फील करने लग जाता है, हाय आज इतनी गर्मी है, ये क्या हो रहा है, इतनी गर्मी तो मुझे पहले भी लगी, वो यंग सीगल बोलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका एक तो पेट खाली था, उसने कुछ खाया नहीं था, है ना, और पहले एक रात से कुछ खाया भी नहीं था उसने। फिर वो अपने लेग से उस जगह जहाँ पर वो सोता है वहां से बाहर निकला और उसने अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को अटेंशन उसकी, उन सबकी पाने के लिए क्या करा, एक टांग पे सोने की एक्टिंग करने लग गया। तो फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो उसके सारे सिबलिंग्स थे वो सो रहे होते हैं, उसका जो पापा होता है वो अपने पंखों को अपनी चोंच से साफ कर रहा होता है, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि वो एक टांग पे सो रहा था, ठीक है। और उसकी जो मम्मी होती है वो दूसरी चट्टान के ऊपर बैठ के क्या कर रही होती है, मछली खा रही होती है, उसकी मम्मी उसको थोड़ा थोड़ा नोटिस कर रही होती है, ठीक है। तो वो जो यंग सीगल था वो बड़ा पागल हो जाता है कि उसकी मम्मी तो इतनी स्वादिष्ट मछली खा रही है और वो ऑलरेडी भूखा था, ठीक है, वो इतना ज्यादा भूखा था। उसे ना मछली को टियर करने में, फाड़ने में थोड़ा मजा आता है, मछली को उसे टियर करने में, उसको लाजवाब तरीके से खाने में, लेकिन वो इतना ज्यादा भूखा था उसको कोई खाना ही नहीं दे रहा था, ठीक है। वो रोने लग जाता है कि मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो रोने लग जाता है। फिर उसकी मदर जो है उसकी तरफ देख के चिल्लाने लग जाती है गुस्से से, क्यों रो रहा है, तो लेकिन वो फिर भी रोता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो बड़ा अच्छे से रोने लग जाता है, उसकी बड़ी अच्छी सी चीख निकलती है जॉयफुल तरीके से। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी फाइनली मछली लेके उसकी तरफ आ रही होती है, जैसे यहाँ पे सीगल है तो यहाँ पे उसकी मम्मी सीधा उसकी तरफ आने लग जाती है, लेकिन जैसे उसकी मम्मी पास आने वाली होती है ना, वो बड़ा खुश सा हो रहा है कि मेरी मम्मी जो है मछली लेके आ रही है, लेकिन उसकी मम्मी फिर ऐसे पलट जाती है, दूसरी दिशा में चली जाती है, फिर वो और पागल हो जाता है, ठीक है। कि एक्साइटमेंट की वजह अब वो बहुत ज्यादा डर सा, एक्साइटमेंट की वजह से वो पहले तो खुश हो रहा था कि मम्मी मेरे लिए खाना लेके आ रही है, लेकिन वो बाद में पागल हो जाता है, उसे तो इतनी ज्यादा भूख लग जाती है कि वो तो ये डर भी भूल जाता है कि मुझे उड़ने से डर लगता है, वो अपना डर भी भूल जाता है, ठीक है। सो उसने क्या किया, एक मूवमेंट उसने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा पेट के लिए, अपने पेट के लिए, ठीक है। सो उसे उसने क्या सोचा, एक पल के लिए वो भूल गया कि उसे उड़ने से डर लगता है, लेकिन उसने कोशिश की, उसने ट्राई की उड़ने की, वो थोड़ा एक पल के लिए शॉक भी था और थोड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन उसके बाद वो मूवमेंट कुछ टाइम के लिए ही रहा, उसके ऐसे पंख जो है वो खुल गए और खुलने के बाद उसने उड़ना चालू कर दिया। फाइनली उसे ऐसा लगा कि जो विंड है, जो हवा है, मेरे पंख उस हवा को काट रहे हैं, मेरा जो चेस्ट है और मेरी जो पूंछ वूंछ है उन सभी को हवा जो है वो सब काट रहे हैं और वो आराम से उड़ पा रहा है, ठीक है। सो उसे बाद में इतना डर नहीं लगा उड़ने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा नर्वस था उसके बाद जैसे उसने उड़ना चालू करा ना, तो साथ में सीगल की मम्मी भी आ गई, वो भी उसके साथ उड़ने लग गई, है ना। पूरी फैमिली बड़े चिल्ला रही थी, वाह वाह मेरे शेर, मेरे बेटे, तूने कर दिखाया, तू उड़ उड़ गया फाइनली, देखा कितना ज्यादा मजा आता है उड़ने में, और तुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा, देख ले हम कह रहे थे ना तुझे डर नहीं लगेगा, कोशिश तो कर एटलीस्ट। तो पूरी फैमिली ऐसे खुश हो जाती है एक्साइटमेंट में, डर के आगे जीत को सेलिब्रेट करते हो। और जैसे ही उसने अपना ये फियर, अपना ये जो डर था वो खो दिया, वो डर के वो सब कुछ भूल गया कि अरे पहले तो मुझे उड़ने से डर लगता था, एक बार जब उसने अपने डर पे जीत हासिल कर ली फिर वो सब कुछ भूल गया कि मैं ऐसे डरा भी करता था। उसने वो सारी चीजें करी जिससे उसको डर लगता था, वो पूरे समुद्र पे ऐसे उड़ रहा था अकेला अकेला, है ना, सारे के सारे पहाड़ों पे ऐसे वो उड़ रहा था, सारे के सारे वो इतनी ज्यादा हरियाली देख रहा था, पहाड़ देख रहा था, और वो भी चिल्ला उठा खुशी से कि मैंने फाइनली जो है विक्ट्री हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, ठीक है। जैसे ही वो लैंड करा जमीन पर तो उसकी फैमिली भी उसके साथ लैंड करी और सारी फैमिली को अपने इस छोटे से बच्चे पे बहुत ज्यादा प्राउड था, सबके सब खुश हो रहे थे, चिल्ला रहे थे एक्साइटमेंट में, बहुत तेज तेज आवाज में भी ऐसे से वो चिल्ला रहे थे, ठीक है। एंड ही देन वेंट इनटू द सी फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद सीगल का काम सिर्फ उड़ना उड़ना नहीं होता, उन्हें क्या करना होता है, ऊपर से ऐसे तेज स्पीड में आके सी में छलांग लगानी होती है और वहां से अपनी चोंच में एक मछली कैप्चर करके लानी होती है और उस मछली को टियर करके खाना होता है, ये होता है सीगल का काम। तो वो हाइट पे उड़ता है तो उन्हें सो मछली साफ साफ दिख ही जाती है समुद्र के पानी में, तो तेज स्पीड से जाके और मछली पकड़ के और फिर वहां से चले जाते हैं, ठीक है।
तो उसने क्या किया, वो सी में डाइव करता है। पहले से थोड़ा डर लगता है, थोड़ा पैनिक करता है, थोड़ा छुपने की भी कोशिश करता है, लेकिन अब वो इतना ज्यादा हंगरी था, वो काम डाउन होके और फिर सी में तैरने की कोशिश करता है, जिससे उससे डर लगता था सी से। और फाइनली वो खाना लाके और बहुत खुश हो जाती है उसकी फैमिली भी, उसकी फैमिली सेलिब्रेट करने लग जाती है, ठीक है। उसकी फैमिली फिर उसको ज्यादा खाना दे देती है तारीफ के तौर पे कि ये ले बेटा अब तू खा ले, ठीक है। और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी और उसका वो जो डर था वो उसने काबू पा लिया था, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और हमारा ये जो पूरा चैप्टर था डिटेल में कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर टू द ब्लैक एयरप्लेन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और एक ही बार में चैप्टर पूरा डिटेल में समझ में आ गया, कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया हुआ, सब कुछ डिटेल में, ठीक है। तो शुरू करें अपना चैप्टर द ब्लैक एयरप्लेन। ये ना थोड़ी रहस्यमय कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनना, भूतों वाली नहीं है पर थोड़ी रहस्यमय है, मिस्टीरियस वाली है कि ऐसा हुआ कैसे, हुआ तो हुआ कैसे। और तुम रियल में सोचना कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हमारा क्या हाल हुआ, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या था। सो ब्लैक एयरप्लेन के बारे में बात करते हैं, इस कहानी में क्या होता है। तो रात का समय था, स्काई बहुत साफ था, एकदम सीधा स्काई था, तारे भी ऐसे टिम 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 ट्विंकल कर रहे थे। पायलट को बड़ी ही शांति फील होती है, ठीक है, कि पूरी कंट्री में, कि पूरी कंट्री के ऊपर वो उड़ रहा है। द पायलट फेल्ट पीस इन बीइंग अबव द कंट्री। और उसके बाद उस इतनी शांति में वो सो जाता है थोड़ी देर, और वो फ्रांस से लेकर इंग्लैंड के लिए उड़ रहा था, ठीक है। तो 1:30 बजा होता है मॉर्निंग का, और वो ना मतलब बड़े ही ख्यालों में खोया रहता है। अरे यार कल की सुबह तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा, टाइम फैमिली टाइम स्पेंड करूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, डिनर करूंगा अपनी फैमिली के साथ, कितना मजा आएगा, अपनी वाइफ से मिलूंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा, अपना टाइम स्पेंड बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। तो इस ख्यालों में वो खोया रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसका जब एयरप्लेन फ्रांस में होता है तो पायलट ने सोचा कि चल पेरिस कंट्रोल को मैं ना बता दूं कि भाई मैं फ्रांस के ऊपर हूँ, ठीक है। जैसे कि वो जो पायलट होते हैं वो ऐसे करके बोलते नहीं है, पेरिस कंट्रोल हम यहाँ पर हैं, ये करंट लोकेशन, ऐसे बताना होता है, ठीक है, ताकि वो ट्रैक रख सके, मतलब कि ये एयरप्लेन कहाँ पे है, कहाँ पे उड़ रहा है, और उसको सही गाइडेंस देने के लिए कंट्रोल रूम में फोन करता है, ठीक है। तो ऐसे ही उस एयरप्लेन ने भी उस पायलट ने भी पेरिस कंट्रोल फोन कर दिया कि भाई मैं फ्रांस के ऊपर उड़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को इंस्ट्रक्शन देते रहना, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, पेरिस की जितनी भी लाइट्स होती है ना वो पायलट को दिख रही होती है कि कैसे जगमगाता पेरिस दिख रहा है उसको वहां से, ठीक है। सो ही इन्फॉर्म द कंट्रोल एजेंसी कि मुझे फर्दर इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस की, कि अब मुझे कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो क्या करता है, कंट्रोल रूम जो है पेरिस का, उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई तू ना कि भाई आप ना 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ, अब जहां पर आपको जाना है वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओगे तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे ही उसको पेरिस कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं तो पायलट ने लगा दिया गियर अपना एयरप्लेन का, और उसने क्या किया, जो लास्ट फ्यूल टैंक था वो भर दिया। उसके पास वो लास्ट फ्यूल टैंक था, ठीक है, कि चलो इतने फ्यूल टैंक में मैं आराम से इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। तो इस टाइम पे भी वो ड्रीम कर रहा होता है, ख्याल ले रहा होता है, सपने ले रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूंगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा और ब्रेकफास्ट भी करूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो वो सोचता है कि बड़े टाइम बाद मैं इतना बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करूंगा, ऐसे करके वो सोचता रहता है उसकी डेस्टिनेशन पॉइंट पे। वो बड़ा शांत सा होता है क्योंकि जैसा उसने सोचा होता है बिल्कुल सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है, एवरीथिंग वाज गोइंग एज प्लान, ठीक है। वैसे सोचना कैसा लगा तुम्हें, ये आईफेल टावर मैंने बनाया है अच्छा लगा तो कमेंट में बताना, ओके। सो नाउ द प्लेन हैज क्रॉस्ड पेरिस व्हेन ही वाज सीइंग, अब क्या होता है, जो उसका प्लेन होता है उसने पेरिस पार कर लिया होता है, बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं स्काई में। अब क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं, तो उसको लगता है कि अरे यार अब तो थोड़ा सा मतलब हवा से जाने में थोड़ा अनसेफ सा फील हो रहा है, क्योंकि क्या पता वहां पे डार्क डार्क क्लाउड्स आ गए थे, तो हो सकता है इतने ज्यादा बादल आ गए। पहले तो जो स्काई था वो काफी ज्यादा साफ था, लेकिन अब बादल बादल देखने लगे, कहीं तूफान तो नहीं आ जाएगा, ऐसे ऐसे वो सोचने लग गया। तो अब फिर आगे आगे जाके तो उसे बड़े 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 काले काले बादल देखने लग गए, और उन बड़े और काले बादलों को पायलट ने किस चीज से रेफर किया है, ब्लैक माउंटेन, की काले काले पहाड़ लग रहे थे वो बादल ऐसे थे। उनको ऐसा लगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है इन सब से निकलना, इससे बढ़िया तो मैं इनसे छुप ही जाऊं, क्योंकि अब अगर मैं इतने कम फ्यूल में इसके बीच में से चला गया तो क्या पता मेरा फ्यूल ही खत्म हो जाए और इसके बीच में से मैं निकलूंगा कैसे, कहीं मेरी डेथ हो गई तो। इस तरीके से वो सोचता रहता है, ठीक है, ऑब्वियस सोचना, ठीक है।
सो उसने सोचा कि सही फैसला यही होगा कि मैं वापस पेरिस चला जाऊँ सेफली, ठीक है। लेकिन जैसे वो पायलट डिसीजन अपना सोच रहा था कि मैं वापस पेरिस चला जाता हूँ, तो क्या होता है, उसका जो ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट खाऊंगा, तो उसको उसकी जो जिद थी, उसकी जो ख्वाहिश थी, वो उसके डिसीजन में भारी पड़ गई। उसका जो डिसीजन था दोबारा पेरिस जाने का, वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया क्योंकि उसकी जो ये विश थी वो ज्यादा भारी, उसका पलड़ा भारी हो गया। तो उसने क्या करा कि देखी जाएगी यार, तू निकाल ले स्ट्रॉ में से, इस काले काले बादलों के बीच में से निकाल ले, देखी जाएगी क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है, वो रिस्क नहीं लेता वापस पेरिस जाने का, और वो अपने प्लेन को सीधा तूफान में डाल देता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डार्क होता है, तूफान आया होता है, प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा होता, सब कुछ काला 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 काला, कुछ भी नहीं दिख रहा होता, ठीक है। तो अपने कंट्रोल जो है उसको लूज करने लग जाता है, उसका एयरप्लेन भी कंट्रोल लूज करने लग जाता है, उसका जो भी कंपास होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो भी काम करना बंद हो जाते हैं। जैसे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर होता है ना कि कोई भी स्पेस, कोई भी शिप गया या फिर कोई भी एयरप्लेन गया, वो अपने सारे सब कुछ कंट्रोल वंट्रोल लूज कर देता है, वैसे ही वहां पे जाके हुआ स्टॉर्म में। तो क्योंकि बैड वेदर था काफी, तो उसके एयरप्लेन कंपास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी काम करना बंद हो गए, और वो बड़ा ही हेल्पलेस हो गया, ठीक है, कि अब भाई मैं अब क्या करूं, मैं बच भी पाऊंगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो उसने पेरिस कंट्रोल एजेंसी को कॉल करना चाहा कि काश वो मुझे हेल्प करते, लेकिन क्योंकि बैड वेदर था तो पेरिस कंट्रोल एजेंसी भी उसको रिप्लाई नहीं कर पाई कि तुझे अब ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, ठीक है। फिर सब कुछ के बीच में बहुत सब कुछ फेल हो गया था उसको, उस फिर ना क्या होता है, अचानक से उसको एक दूसरा एयरप्लेन दिखता है, अचानक से उसको एक दूसरा एयरप्लेन दिखता है उस तूफान में ही, और उसको थोड़ी सी एक होप मिलती है कि चल यार कोई दूसरा है तो मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, उसे थोड़ी राहत की सांस लेगी, ठीक है। तो उसने दूसरा पायलट भी देखा, उसका फेस देखा, और बहुत उसका क्या उसने क्या करा कि जैसे वो जो पायलट उसको देखा था, उसका एयरप्लेन आगे था और हमारा जो नरेटर का प्लेन था उसके पीछे पीछे था। तो उसने जैसे एक ओबीडियंट बच्चा नहीं होता जो अपने मम्मी पापा की बात मानता है, जो बड़ों की बात मानता है, उसने एकदम तो वैसा ओबीडियंट बच्चा बन के उस दूसरे प्लेन को ऐसे से कॉपी करना चालू कर दिया, मतलब कॉपी नहीं, ऐसे से फॉलो करना चालू कर दिया कि यही वाला जो प्लेन है यही मेरे को इस तूफान से बाहर निकाल के लाएगा, ठीक है। सो उसके बाद उसने सोचा कि अरे यार ये पायलट तो बड़ा ही दयालु है, ये मुझे हेल्प कर रहा है इस चीज से निकालने में, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही जो पायलट है वो उस तूफान में से निकलते हैं, स्ट्रॉम में से निकलते हैं, तो उसका जो उसका साथी था, वो जो प्लेन था, वो अचानक से गायब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो पहले थोड़ा पैनिक करने लग जाता था कि यार यार मैं निकल भी पाऊंगा या नहीं, मेरा तो फ्यूल भी कम है, ठीक है। फिर वो स्टॉर्म से निकल जाता है और अचानक से उसको रनवे दिख जाता है, और फिर वो अपना प्लेन जो है वहीं पे लैंड करवा लेता है। फिर उसने ऐसे पलट के मुड़ के देखा, मतलब रनवे पे जब उसने लैंड करवा लिया कि चल मैं उस पायलट को थैंक यू बोल देता हूँ, तो ऐसे उसने मुड़ के देखा पीछे ही साइड कि वो वहीं पे खड़ा होगा, तो उसे कोई भी नहीं दिखा, ना कोई प्लेन दिखा ना कोई पायलट दिखा। तो उसने सोचा कि शायद वो कहीं दूसरी जगह चला गया होगा लैंड करने के लिए। तो क्या करता है, ऑथर को पता नहीं था कि क्या कहाँ पे वो लैंड हुआ होगा, और उसके बाद उसने क्या करा, कंट्रोल रूम में गया, वो जो उस रनवे के पास वो कंट्रोल रूम था वहां पे गया और पूछा उन लोगों से कि जी ऊपर ऊपर एक ऐसा प्लेन था, मुझे आप बता सकते हो कि उसका पायलट कौन था कि आगे जाके मैं उनको थैंक यू बोला। तो वो देखती है कि कोई प्लेन वगैरह था या नहीं, तो कहती कि नहीं ऊपर तो आपके अलावा कोई और प्लेन था ही नहीं, ना कोई पायलट था, आपने कहाँ से देख लिया प्लेन, ऐसे ऐसे करके कोई पायलट नहीं था इस भयंकर से तूफान में, तो सिर्फ आपका ही प्लेन था और आप ही एज अ पायलट थे। तो बड़ा शौक सा हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, कौन था वो, ऐसे ऐसे बहुत सारी मिस्ट्री जो है वो उसके दिमाग में घुस जाती है, और बहुत सारे वो बिल्कुल ही अचंभा सा हो जाता है, पीला निकल जाता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ये कैसे हो गया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था वहां पे एक एयरप्लेन था एक पायलट था, अब वो अचानक से कहाँ पे गायब हो गया, रेडार में भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में अनआंसर्ड रह जाते हैं, ठीक है। तो थी ना ये एक मिस्टीरियस कहानी। अगर आपको ये प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो आप डाउनलोड कर लेना, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट पूछना हो तो इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे फॉलो करके डीएम कर लेना, ठीक है। सो इस कहानी के लिए इतना ही, डिटेल एक्सप्लेनेशन हो चुकी है इसकी। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।